वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, और बिहार चुनाव में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के फैसले के रूप में, और यह फैसला है NDA से अलग अपने दम पर चुनाव लड़ने का। सवाल है क्यों अकेले लड़ेंगे चिराग? वैसे तो कहते हैं राजनीति अगर समझ में आ जाए तो फिर राजनीति कैसी। इसके बावजूद हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और कुछ तथ्यों के आलोक में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, चिराग का क्या फ़ायदा हो सकता है इस फैसले में? तो देखा जाए तो चिराग के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनके पास खोने के लिए दरअसल कुछ था ही नहीं, तो जो गेन है वो उनका शुद्ध फायदा ही है। पिछले चुनाव में सिर्फ 2 विधायक उनके जीते थे, तो सीटों की संख्या के लिहाज से कुछ भी खोने के लिए नहीं है। अब उनके पास ज़्यादा सीटें आई हैं, ज़्यादा विधायक बनने की उनकी संभावनाएँ बढ़ी हैं। जाहिर है गठबंधन में रहते उन्हें मनमर्जी की सीटें नहीं मिल सकती थी। एक और फायदा ये है कि चिराग के लिए ये एक पहला और बड़ा मौका है कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित कर सके। अभी तक लोजपा अमूमन किसी न किसी गठबंधन के साथ ही रहकर चुनाव लड़ती रही है, और यह भी एक तथ्य है कि जब भी वह गठबंधन में चुनाव लड़ी है 2005 से लगातार उसका जनाधार नीचे की ओर ही जा रहा है। जब वह एक बार लड़ी अकेले अपने दम पर तभी उसका वोट प्रतिशत ज़्यादा था। तो एक प्रयोग यह भी लोजपा को दोहराने का मौका है ये कि क्या अकेले लड़ने पर उसके वोटर उसके साथ ज़्यादा खुलकर जुड़ते हैं, और चिराग को अपनी जमीनी असलियत भी पता चलेगी। रामविलास पासवान अब स्वास्थ्य कारणों से और बढ़ते उम्र के लिहाज से भी ज़्यादा सक्रिय नहीं रह सकते, और इसका संकेत उन्होंने पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप कर दे भी दिया है। तो चिराग को अभी लंबी पारी खेलनी है, और अगर इस लंबी पारी की शुरुआत में ही वह अपने आप को एक नेता के तौर पर, एक स्वतंत्र नेता के तौर पर स्थापित करते हैं तो एक अच्छी भूमिका उनकी साबित होगी। दूसरा, लोजपा इस चुनाव में अब अपने आप को किंग मेकर के रूप में देख रही है। लोजपा के कई नेताओं का मानना है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने से अगर उसकी 15-20 सीटें भी आ जाती हैं और भाजपा इस स्थिति में नहीं रहती कि अपने दम पर सरकार बना पाए, तो उस स्थिति में लोजपा एक अच्छी भूमिका में आ सकती है और एक अच्छी डील के साथ सरकार में लौट सकती है। इस उम्मीद के कारण भी लोजपा ने चुनाव मैदान में अकेले जाने का फैसला लिया है। फिर ये लोजपा को एहसास है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है, और इस एहसास को समझते हुए इसे भुनाने की कोशिश लोजपा ने इस साल की शुरुआत से ही कर दी थी, और अलग अलग समय पर लोजपा बिहार सरकार की अलग अलग योजनाओं पर सवाल उठाती रही है। एक और बात कही जा रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, काफ़ी तेज चर्चा इस बात की कि लोजपा को जदयू और नीतीश के खिलाफ उकसाने में कहीं ना कहीं बीजेपी की भी भूमिका है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी की भूमिका से बिल्कुल परे होकर लोजपा यह फैसला कर रही है। गठबंधन में रहकर भी गठबंधन के एक साथी के खिलाफ इस तरह की बात करना, और इसकी वजह इस रूप में समझी जा सकती है कि भाजपा को इससे कई फायदे दिख रहे हैं। भाजपा भी यह समझ गई है कि नीतीश के पिछले शासनकाल में अब उनकी सुशासन बाबू की छवि लगातार कमज़ोर हुई है, और इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भाजपा अपने लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का एक विकल्प देख रही है। तो दूसरा एक पक्ष भाजपा के लिए
मजबूत पक्ष यह भी है कि भाजपा को आज भी लगता है कि उसके लिए नरेंद्र मोदी फैक्टर बिहार में आज भी सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस फैक्टर के दम पर वह नीतीश के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के की चुनौती से मुकाबला कर सकती है, ऐसा उसे उम्मीद है। और इस तरह से अगर लोजपा नीतीश के खिलाफ खुलकर सामने आती है तो राजनीतिक रूप से यह अंततः भाजपा को अपने पक्ष में जाता फायदा दिख रहा है। चिराग पासवान लगातार भाजपा के पक्ष में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में जेपी नड्डा से बातचीत की और इसके इतर भी भाजपा से उनका संवाद निरंतर जारी है। नीतीश की पार्टी से स्थिति ठीक उलट है, तो इस तरह से लगता है कि बीजेपी को ये फायदा है। दूसरी एक बात अगर हम ये देखें तो नीतीश के लिए चिराग पासवान ने यह एक संकेत दे दिया कि वह गठबंधन में निर्विवाद नेता नहीं है। नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंककर एक ये जो संदेश मतदाताओं में गया है तो इसका नुकसान नीतीश को ही ज़्यादा होगा, जदयू को ही ज़्यादा होगा। रही बात वोट परसेंटेज की, तो उपेंद्र कुशवाहा के निकल जाने से और अब चिराग पासवान के निकल जाने से भाजपा को जदयू को दलित वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसकी भरपाई के लिए जदयू ने जीतन राम मांझी को अपने साथ लिया है और पार्टी का राज्य अध्यक्ष पद भी एक अनुसूचित जाति के नेता को सौंपा है, लेकिन इससे यह बात लगता नहीं है कि इसकी भरपाई हो पाएगी जीतन राम मांझी का पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। तो इन सब कारणों को अगर ध्यान में रखा जाए तो लगता है कि बिहार चुनाव में ये जो टर्निंग पॉइंट आया है ये कुल मिलाकर भाजपा के लिए फायदे की स्थिति लाने वाली है और लोजपा के लिए कुछ खोने की स्थिति है नहीं, तो जाहिर है उसके लिए फायदे की स्थिति है भाजपा के लिए। एक और इस मायने में भी यह फायदे की बात लगती है क्योंकि जो नीतीश के सुशासन बाबू की छवि कमजोर पड़ रही है उसका लाभ उठाने की स्थिति में विपक्षी गठबंधन दिख नहीं रहा है, तो इसका ज़्यादातर लाभ भाजपा ही ले पाएगी मोदी फैक्टर की वजह से और कुछ अन्य कारणों से। तो इस तरह अब जो नतीजे, अब जो समीकरण बनेंगे चिराग पासवान के फैसले के बाद, उसके तात्कालिक परिणाम भले ही सामने नहीं आ रहे हों या ऐसा दिख नहीं रहे हों कि तात्कालिक परिणाम कुछ होने वाला है, जैसा कि बीजेपी और जदयू दोनों ही पार्टियों ने लोजपा के इस फैसले को काफ़ी हल्के में लिया है, लेकिन चुनाव बाद के समीकरण में इस फैसले की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। आगे भी हम बिहार की चुनावी सरगर्मियों पर बातचीत करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्ता.com के साथ। धन्यवाद।